हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम पढ़ेंगे प्रतिदिन बोले जाने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसका जब अनुवाद बनाना होता है तो बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं कि उनका अनुवाद हम कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे दिया है कि तुम्हें झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, यानी तुम्हें अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि यू शुड नॉट, और ये हो जाएगा स्प्रेड, यानी फैलाना चाहिए। अब क्या नहीं फैलानी चाहिए? तो झूठी अफवाह। तो अफवाह का होता है र्यूमर। ये हो गया यू शुड नॉट स्प्रेड र्यूमर, कि तुम्हें अफवाह नहीं फैलानी चाहिए या झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। तो यहाँ र्यूमर का मतलब अफवाह। अगला सेंटेंस है कि यह केवल दिखावा है। तो अब यहाँ पर दिखावा के लिए हम क्या करेंगे? तो इट इज वनली, अब दिखावा के लिए हम आई और वाश का भी प्रयोग करते हैं, या इट इज वनली शो, शो का भी हो सकता है, शो मतलब दिखावा, या आई वाश का हम प्रयोग करते हैं कि यह केवल दिखावा है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि अपने बेटे को इतनी छूट मत दो। कभी कभी होता है कि माता पिता बच्चे को बहुत ही छूट दे देते हैं, तो इस प्रकार का सेंटेंस है कि अपने बेटे को इतनी छूट मत दो, इम्पैरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हो जाएगा डोंट। अब यहाँ छूट देना, तो छूट देने का होता है यहाँ एग्जेम्प्ट, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, मतलब होता है छूट देना। तो डोंट एग्जेम्प्ट, छूट मत दो। किसको छूट मत दो? तो अपने बेटे को, योर सन, तो दिस मच, यानी इतनी अधिक अपने बेटे को तुम छूट मत दो। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। लूट लिया मतलब ठग लिया। तो लूटना की अंग्रेजी होती है रिप ऑफ, RIP और OFF, रिप ऑफ मतलब होता है ठगना या लूटना। तो वही दिया है कि दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया या दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। तो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये हो जाएगा कि द शॉपकीपर, यानी द शॉपकीपर, और इसका सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा रिप्ड, तुम्हें, यू, और यहाँ लगा देंगे ऑफ, कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। तो लूटना के लिए रिप ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, यानी पूरी तरह से बंद मत करो, यानी पूरा खोलो भी मत और बंद भी मत करो, आधा खुला छोड़ दो। तो आधा खुला के लिए हम अजर का प्रयोग करते हैं, यानी AJAR, इसका मतलब होता है आधा खुला। तो दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा लीव, यानी छोड़ दो। क्या छोड़ दो? द डोर। अब यहाँ हो जाएगा अजर। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, लीव द डोर अजर, यानी अजर मतलब आधा खुला। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, यह मेरे बस की बात नहीं है, यानी मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और कार्य बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यह काम मेरे बस की नहीं है, या यह मेरे बस की बात नहीं है, या काम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं कि इट इज आउट ऑफ, और यहाँ हो जाएगा माई रिच, यह मेरे बस की बात नहीं है। रिच की जगह हम माइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज़ आउट ऑफ माई माइंड, इट इज़ आउट ऑफ माई रिच, या हम यह भी कर सकते हैं TOUGHT, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इट इज़ आउट ऑफ माई रिच, इट इज़ आउट ऑफ माई माइंड, या इट इज़ आउट ऑफ माई थाट, यह तीनों में से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया है, मेरे तो होश उड़ गए, यानी कोई कार्य अगर आदमी देखा, कोई घटना देखा, तो उस घटना को देख करके करा मेरे तो होश उड़ गए। तो इसका अगर हमको अनुवाद बनाना होता है, यह बहुत ही सिंपल आम बात है कि यहाँ हो जाएगा आई वाज एस्टोनिश्ड,
यानी होश उड़ गए मतलब आश्चर्यचकित हो गया, या सरप्राइज लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कि मेरे तो होश उड़ गए, तो आई वाज एस्टोनिश्ड या आई वाज सरप्राइज्ड। उसी तरह यह मेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, आउट ऑफ माइंड या थॉट, तीनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह जो रिप ऑफ होता है उसका मतलब होता है ठगना या लूटना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आते हैं तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।